हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक में एक ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया था 95 के लेवल से। स्टॉक 100 के लेवल तक भी गया लेकिन फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक फिर से 96 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है जिसे हमने यहाँ पर कर दिया है हाईलाइट। अब आप देखेंगे स्टॉक ऊपर की तरफ, यहाँ पर अगर आप देखें तो 113 रुपए के आसपास आपने क्या देखा था, कंसोलिडेशन, स्टॉक में गिरावट हुई थी और गिरावट स्टॉक को सीधे कहाँ तक लाती है, 70 रुपीज तक। ये देखिएगा फिर से स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं लगभग 100 रुपए के आसपास जाने के बाद स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिलती है। ये देखिएगा इस गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर आपको फिर तेजी दिखाई दी और ये तेजी स्टॉक को 113 रुपये तक लेकर के चली जाती। ये देखिए फिर से स्टॉक के अंदर हो गई गिरावट और ये गिरावट स्टॉक को नीचे लेकर के आती है लगभग लगभग 95 रुपीज़ के आसपास। यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको फिर तेजी देखने को मिली और लगभग 113 रुपये तक आपको स्टॉक फिर से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक में फिर गिरावट हुई और ये गिरावट स्टॉक को फिर से 95 के लेवल के नीचे लाती है और स्टॉक गिरता है कहाँ तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 रुपये के भी नीचे तक, 80 के भी नीचे तक आपको स्टॉक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर भी आपको डबल बॉटम देखने को मिले थे। ये देखिएगा यहाँ से स्टॉक के अंदर आपको तेजी देखने को मिलती है और इस तेजी के बाद स्टॉक में फाइनली बड़ी गिरावट होती है और ये गिरावट स्टॉक को नीचे लेकर के आती है और स्टॉक हमें 50 रुपये तक गिरता हुआ दिख जाता है। ये देखिएगा फिर से स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट, फिर से एक बार नीचे स्टॉक गिरा कहाँ तक, 50 रुपये तक, फिर से डबल बॉटम बनने के बाद। यहाँ पर आप देखिएगा एक बॉटम यहाँ दिखाई दिया, एक बॉटम या डबल बॉटम में स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है, 70 रुपये के आसपास जाने के बाद स्टॉक में हल्की गिरावट आती है और जैसे ही 70 के ऊपर स्टॉक गया तो अब आप देखेंगे फिर से जो 70 रुपये का लेवल है वही यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगा। ये देखिएगा यहाँ पर आपको सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिखाई देता है, फिर से स्टॉक में आती है तेजी और ये तेजी स्टॉक को ऊपर लेकर के जाती है। कहाँ तक की तेजी हमें देखने को मिली, लगभग लगभग अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95-96 रुपये तक जाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ दिखाई देता है, फिर स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ चलता है, लगभग लगभग 90 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल जाती है। ये देखिएगा ये गिरा स्टॉक और यहाँ से आप देखेंगे फिर से स्टॉक यहाँ पर मूवमेंट देता है। ये देखिएगा यहाँ पर मोमेंट साइडवाइज मोमेंटम देखने को, स्टॉक में हल्की गिरावट, इस गिरावट का स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है और यहाँ आप देखिएगा कहाँ तक की 95 रुपीज़ तक की तेजी आई लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ये देखिए यहाँ पे दो जगह रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट लेकर के स्टॉक ऊपर चलता है लगभग 100 तक लेकिन फिर से रेड कैंडल बन रही है, मतलब ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूं यदि आपने ऑलरेडी इस ब्रेकआउट पे बाइंग किया था और आपकी पोजीशन अभी अगर प्रॉफिट में है तो आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं और यदि यहाँ पर आप एंट्री को कंटिन्यू रखते भी हैं तो नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 94-95 रुपीज़ का आपको रखना होगा, क्योंकि इसके नीचे स्टॉक आएगा तो फिर से अपनी पुरानी रेंज को फॉलो कर सकता है और फिर से एक बार 70 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलता है, सपोज ये वाली जो रेड कैंडल है ये ग्रीन में कन्वर्ट होती है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तब आपको फिर से 113 रुपये तक के टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिएगा इसके पहले भी हमने स्टॉक को 113 रुपये के आसपास यहाँ पर देखा है, तो 113 रुपये तक के टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं यदि स्टॉक 94 के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके फिर से रिवर्सल ले लेता है, तब 94 के नीचे आएगा तब आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।